अनुराग जी का सवाल है और ये समझना चाहते हैं इंडीजीन लिमिटेड के बारे में कि एक बार फंडामेंटल इसको रिव्यू करना है, कहाँ पे एवरेज कर सकते हैं। ओके, मतलब इन्होंने लंबे अवधि के लिए लिया हुआ है ये, फार्मा और आईटी का अच्छा इन्हें मिक्स नज़र आता है इसमें। 100 शेयर हैं इनके पास पहले से, 490 का इनका भाव है, एवरेज करना चाहते हैं। कंपनी तो मैंने ट्रैक नहीं किया है, नंबर्स देखते हैं। ओके, सेल्स 3 क्वार्टर से एकदम फ्लैट है, प्रॉफिट नीचे जा रहा है, मार्जिन नीचे जा रहा है। तो यहाँ से अगर सेल्स ग्रोथ है ही नहीं ज़्यादा, सेल्स ग्रोथ तो नहीं है इसमें ज़्यादा, प्रॉफिट ग्रोथ है नहीं, तो फिर वैल्यूएशन हमें इसको 48 टाइम्स का मुझे तो महंगा लगेगा, लेकिन 27 टाइम्स, 29 टाइम्स ROC, देखिए मुझे लगता है इसको प्राइस वॉल्यूम से देखना ठीक रहेगा, बिकॉज नंबर्स यहाँ पे कंफ्यूजिंग है। एक चीज़ तो ये कह रहा है कि वैल्यूएशन उतना खराब नहीं है, लेकिन जो रेट ऑफ सेल्स ग्रोथ है वो उतना कंफर्टेबल भी नहीं है। तो क्या नाम है, इंडीजीन लिमिटेड, इंडीजीन ओके। थोड़ा सा ना इसको आप टैक्टिकल इस पे काम करना ठीक रहेगा। मैं एक मुझे कंपनी नहीं पता है, लेकिन जो मुझे डेटा दिख रहा है, इस डेटा के हिसाब से तो ग्रोथ स्टैग्नेट हो रही है, तो वैल्यूएशन इतना तो नहीं मिलना चाहिए। थोड़ा और डेटा इसके लिए चाहिए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 4-5 क्वार्टर का डेटा दिख रहा है, ईयरली, हाँ ईयरली डेटा है हमारे पास। 12-15% सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट नहीं, ठीक लग रहा है, मतलब ग्रोथ उतना भी खराब नहीं है लास्ट फिनेंशियल तक। इधर थोड़ा सा स्लो डाउन है, तो क्या हो सकता है इस केस में, आपका वैल्यूएशन मॉडरेशन थोड़ा सा हो सकता है, पॉसिबल है। ध्यान में रखिए, ये एक बात है। दूसरी चीज है कि इसमें ना एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हो चुका है, एंड दिस ब्रेकआउट टेल्स कि 625 के नीचे इसको क्लोज होना नहीं चाहिए। तो फंडामेंटल और इधर में प्राइस वॉल्यूम डेटा दोनों को मिला के देखिए, तो 625 तक ही होप है, उसके बाद में इसमें होप नहीं रहेगा, फिर ये करेक्शन में जाएगा। कितना करेक्शन होगा दैट विल डिसाइड देन। अभी तक 625 के हिसाब से आप इसमें प्लानिंग कर सकते हैं, उसके नीचे में रिस्क है, जब तक वो है तब तक ठीक ठाक रहेगा। और ये क्वार्टर का रिजल्ट अभी आया नहीं है, तो 625 का ध्यान रखिएगा। रिजल्ट अच्छा आया तो चल गया, नहीं आया तो 625 टूट भी सकता है।